रांची के जखौल गांव में सीएम धामी ने बिस्सू मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सोमेश्वर महादेव मंदिर का सौंदर्यकरण करने, सीएचसी पुरोला का उच्चीकरण कर उप जिला चिकित्सालय बनाने, पीएचसी मोरी को सीएचसी करने, नेटवर्क सांकरी जखोल मोटर मार्ग को हॉट मिक्स प्लान के तहत तैयार करने और नौगांव में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मां गंगा का हमारा यह राज्य एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, इसीलिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना हमारा उद्देश्य है। हमने नीति और कानून विशेषज्ञों सहित एक समिति बनाने का निर्णय लिया है जो यूसीसी के संबंध में एक मसौदा तैयार करेगी। इससे पहले सीएम धामी ने गुरुवार को खोली ब्लॉक पर्यटक स्थल पधाड़ीताल में 2 दिवसीय पधाड़ीताल पर्यटन एवं बैसाखी मेले का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पधाड़ीताल में पर्यटक आवास गृह बनाने, पधाड़ीताल का सौंदर्यकरण करने और बशीर पधाड़ीताल मोटर मार्ग को हॉटमिक्स करने की घोषणा की थी। इस दौरान धामी ने कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड में पौराणिक मेले तीज त्योहार की प्राचीन परंपरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इन प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शहरों से लेकर गांव तक जन समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी। विकास खंड मोरी के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप विकासखंड पुरोला में स्वर्गीय बर्फिया लाल जुवाठा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सा अस्पताल के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। विकासखंड नौगवा के अंतर्गत बर्नी घाट कुआ में राजकीय महाविद्यालय डिग्री कॉलेज नए सेशन में बनाया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं। भाइयों बहनों, एक सड़क के बारे में भी कहा है इन्होंने, विकासखंड मोरी के अंतर्गत मोरी नेटवर्क साकरी जखोल। अब इसका मैं पूरा इसका आकलन करवा के कोशिश करेंगे कि किसी न किसी योजना में इस सड़क को भी जो है बनवाया जाए। मंदिर प्रांगण के सौंदर्यीकरण की मैं घोषणा करता हूँ कि इसका सौंदर्यीकरण किया। देश के अंदर समान नागरिक संहिता की बात लंबे समय से चली आ रही है कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। देश के अंदर सभी के लिए, चाहे किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, अगर वो हिंदुस्तान के अंदर रहता है तो उन सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए और उसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड से कर दी है, जहां पर समान नागरिक संहिता का यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां पर लागू हो जाएगा। वहीं सलूर डुंगा गांव में होने वाला विश्व धरोहर रामायण मेला इस साल 27 अप्रैल को होगा। गांव के पुरोहितों ने रामायण मेले की तिथि घोषित की है। इस बार मेले में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय साक्ष्य।